हमारे साथ डॉक्टर भावना सावलिया जी है जो मोड़ासा की कॉलेज से है और आज गांधीनगर में आयोजित कवि सम्मेलन के बारे में हमें जानकारी देंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना सावलिया, आर्ट्स कॉलेज मोड़ासा। आज गांधीनगर के गुजरात साहित्य हिंदी परिषद हिंदी अकादमी और अखिल भारतीय हिंदी साहित्यिक संस्थान गुजरात अहमदाबाद के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन एवं अतिथियों एवं कवियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह का आयोजन करने का मुख्य लक्ष्य हमारा यही रहा है कि समग्र भारत में ही नहीं पर विश्व में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में उत्कृष्ट स्थान पर विराजमान हो, यही एक तो हमारा लक्ष्य है। और हिंदी सर्वोत्तम भाषा बने और हिंदी में ही हम सब काम करें और हिंदी ही हमारी माँ की तरह हम इसका आदर सम्मान करें हिंदी का, ऐसा भी हमारा एक उपक्रम रहा है। आज कौन से विशेष अतिथि यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं और कौन जाने माने कवि कवयित्री आज अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे? हाँ जी, हमारे कार्यक्रम के उद्बोधक गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर बागेश झा एवं गुजरात साहित्य अकादमी के महासचिव डॉक्टर जयेंद्र सिंह यादव आदि, यानी कि दोनों उपस्थित रहने वाले थे पर अनिवार्य कारण से वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे। पर इसके स्थान पर हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कमलेश भाई परमार, डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक के पाठ्यपुस्तक मंडल के रहे हैं, गांधीनगर से उपस्थित हैं। वो आज के समारोह का उद्बोधक रहे हैं। और इसके अलावा आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय स्थान पर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी विराजमान हैं, अखिल भारतीय हिंदी साहित्यिक संस्थान गुजरात अहमदाबाद के वो अध्यक्ष भी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सोमा भाई पटेल हैं, डॉक्टर भरत भाई पटेल हैं, डॉक्टर दक्षाबेन जोशी राजकोट से पधारी हुई हैं, गुलाबचंद भाई पटेल हैं और जैन साहब हैं, डॉक्टर जैन साहब भी हमारे बीच में है। आमंत्रित कवियों में डॉक्टर गुलाबचंद भाई पटेल, नित्यानंद पांडे, मुकेश कुमार व्यास, उमा सिंह किसलई आदि लोगों को हमने आमंत्रित किए हैं। और आज कविताओं के माध्यम से हम हमारी संवेदना, हमारे विचार, हमारी चेतना जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज का ये कार्यक्रम है वो यादगार बनने वाला है और इसका कवरेज आप हेलो गुजरात यूट्यूब चैनल पर एवं न्यूज वेबसाइट hellogujaratnews.com पर देखते रहिए। आपका धन्यवाद।